हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश गोरा स्वागत करता हूं आपका आरजे करियर पॉइंट की ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस में। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक नया टॉपिक जिसमें हम बात करने वाले हैं मेनोपॉज के बारे में। पिछली क्लास में हमने बात की थी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में और उसकी एबनॉर्मलिटी हमने पढ़ ली थी। तो रेगुलर हमारी क्लास नेक्स्ट इसी क्लास से कंटिन्यू रखते हुए अपन बात करने वाले हैं अबाउट द मेनोपॉज। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो भी आपको क्लास के साथ साथ बताता रहूँगा। तो दोस्तों, आपका जो सपोर्ट और प्यार मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप यूं ही हमारे साथ बने रहे, हम आपको यहाँ से घर बैठे कोचिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं। और जो स्टूडेंट कोचिंग की फ़ीस की एफर्ट नहीं कर पाते या फिर किसी पर्सनल रीजन की वजह से कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाते, उनके लिए हमने यहाँ से एक छोटा सा प्रयास स्टार्ट किया है। तो आप इस चीज़ को सपोर्ट करें और रेगुलर आप हमारे साथ बने रहें ताकि सभी नर्सिंग स्टूडेंट हैं उनको इसका बेनिफिट मिले। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ मेनोपॉज के बारे में। डेफिनेशन की बात करें तो देखिए, मेनोपॉज क्या होता है? परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो क्या होता है? परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या कहलाता है? मेनोपॉज। मेंस्ट्रुअल साइकिल का परमानेंट स्टॉपेज या सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नॉन एज मेनोपॉज। अब देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल तो कई बार क्या होता है, किसी फिजियोलॉजिकल रीजन की वजह से भी क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। लेकिन क्या होता है, उसका जो टाइम पीरियड होता है कितना हो सकता है? 6 मंथ या 9 मंथ तक क्या हो सकता है, फिजियोलॉजिकल रीजन की वजह से स्टॉप हो जाती है। या किसी मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटी के कारण भी कई बार क्या होता है, 2 to 3 months तक क्या हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है। लेकिन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर लास्ट 12 months से क्या हो रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? मेनोपॉज। इसके लिए क्या होना जरूरी है? मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप सिंस लास्ट 12 months। 12 months से क्या होना चाहिए? मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होगी, उसी कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? मेनोपॉज की कंडीशन बोलते हैं। बात करते हैं इसकी एज की। मेनोपॉज की जो एज होती है कितनी होती है? 45 to 55 ईयर। 45 to 55 ईयर क्या होती है? एज होती है। इस एज के अंदर आते क्या हो जाता है? मेनोपॉज स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, दूसरी चीज, मेनोपॉज के अंदर देखिए, मैटरनल हिस्ट्री डज नॉट अफेक्ट द एज ऑफ मेनोपॉज। मैटरनल हिस्ट्री डोंट अफेक्ट ऑफ एज ऑफ मेनोपॉज। इसका मतलब क्या हुआ? किसी लेडी के अंदर उसकी मैटरनल हिस्ट्री, मतलब उसकी मदर के अंदर कौन सी एज पे मेनोपॉज आया था, वो उस लेडी के अंदर अफेक्ट नहीं करता। ठीक है, इसके अलावा एज ऑफ मेनार्की की अगर अपन बात करें, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो रिप्रोडक्टिव एज होती है कितनी होती है? 30 ईयर होती है। 15 to 45 ईयर क्या होती है? रिप्रोडक्टिव एज होती है। अगर किसी लेडी के अंदर मेनार्की स्टार्ट होती है 10 ईयर ऑफ, ठीक है, 10 साल पे अगर मेनार्की स्टार्ट होती है, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें मेनोपॉज 40 ईयर पे ही आएगा। तो मेनार्की की एज मेनोपॉज की एज को अफेक्ट नहीं करती है, ध्यान रखना। द एज ऑफ मेनार्की डज नॉट अफेक्ट मेनोपॉज। द एज ऑफ मेनोपॉज, ठीक है, मेनार्की की एज जो होती है वो मेनोपॉज की एज को अफेक्ट नहीं करती है, ध्यान रखना। और इसी के अलावा मैटरनल हिस्ट्री भी क्या नहीं करती, अफेक्ट नहीं करती उसकी मेनोपॉज की एज की। तो डेफिनेशन की हमने बात कर ली। डेफिनेशन में क्या देखा हमने? परमानेंट या सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल सिंस लास्ट 12 मंथ इज नोन एज द मेनोपॉज। एज की बात की हमने, 45 to 55 ईयर ऑफ एज के अंदर क्या होता है? मेनोपॉज स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर ना तो मैटरनल हिस्ट्री अफेक्ट करती है, ना ही एज ऑफ मेनार्की अफेक्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मेनोपॉज देखिए, अलग अलग कंडीशन होती है मेनोपॉज के अंदर। एक होती है अर्ली मेनोपॉज,
प्री मेनोपोज, नॉर्मल एंड डिलेड मेनोपोज। तो मैं आपको एज ग्रुप के अकॉर्डिंग बताता हूं। मैं अगर अपन एज की बात करें, एज है किसी फीमेल की 40-45 ईयर, 55 एंड अबाउ 55, ठीक है। अगर बिफोर एज ऑफ 40 अगर मेनोपॉज आता है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे अपन? अर्ली मेनोपॉज। क्या बोलेंगे? अर्ली मेनोपॉज, ठीक है। एज होती है अगर 40-45, इस कंडीशन को बोलेंगे अपन क्या? प्री मेनोपॉज। क्या बोलेंगे? प्री मेनोपॉज। 45-55 क्या होता है? नॉर्मल, ये नॉर्मल एज है मेनोपॉज की। और अबाउ 55 क्या होता है? डिलेड मेनोपॉज, डिलेड मेनोपॉज, ये एज है, ठीक है। 40 ईयर एंड 55 ईयर क्या है? एज है। अगर 40 से पहले अगर मेनोपॉज आता है, इस कंडीशन को बोलेंगे अपन अर्ली मेनोपॉज। 40-45 होता है उसको बोलते हैं अपन प्री मेनोपॉज। 45-55 क्या होता है? नॉर्मल मेनोपॉज, ठीक है। अब देखिए, प्री मेनोपॉज, नॉर्मल और डिलेड, इन तीनों को कंबाइनली क्या बोलते हैं अपन? पेरी मेनोपॉज। क्या बोलते हैं? पेरी मेनोपॉज। ये जो कंडीशन होती है उसको क्या बोलते हैं अपन? पेरी मेनोपॉज, ठीक है। अब यहां से देखिए, अब हम बात करते हैं जो मेनोपॉज की कंडीशन होती है, या तो हो सकती है नेचुरल या हो सकती है प्लान, ठीक है। नेचुरल आपको पता है, जैसे एज इंक्रीज होगी अबाउ 45 ईयर, तो क्या होता है? मेनोपॉज स्टार्ट हो जाती है। एक कंडीशन होती है आर्टिफिशियल मेनोपॉज, इसके बारे में पढ़ते हैं अपन। यहां से क्वेश्चन आता है आर्टिफिशियल मेनोपॉज, आप देखिए आर्टिफिशियल मेनोपॉज के अंदर, इसके अंदर दो कंडीशन होती है, एक होती है सर्जिकल और एक होती है रेडिएशन। सर्जिकल एंड रेडिएशन दो टाइप होते हैं किसके? आर्टिफिशियल या प्लान, जिसको बोलते हैं अपन प्लान मेनोपॉज या आर्टिफिशियल मेनोपॉज, दो टाइप हो गए इसके। अब देखिए, सबसे पहले देखते हैं अपन रेडिएशन। इसके अंदर क्या होता है? जो ओवरी होती है, ठीक है, जो फीमेल गोनेड होते हैं ओवरी, ठीक है, उनको क्या करते हैं अपन? गामा रेडिएशन के अगेंस्ट क्या करते हैं? एक्सपोजर करते हैं, ठीक है, एक्सपोजर ओवरी, एक्सपोजर द ओवरी अगेंस्ट गामा रेडिएशन। गामा रेज के अंदर क्या करते हैं? ओवरी को एक्सपोज करते हैं। ये क्या करेंगी? ये क्या करती है? सप्रेस द ओवेरियन फंक्शन, सप्रेस द ओवेरियन फंक्शन। अब ओवरी के फंक्शन को क्या करता है? ये सप्रेस कर देते हैं, जिससे क्या होगा? हार्मोनल इंबैलेंस हो जाएगा और क्या हो जाएगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे होती है स्टार्ट? पहले एफएसएस क्या करता है? फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, फॉलिकल्स की ग्रोथ होती है, ओवुलेशन होता है, ठीक है। ओवुलेशन के बाद में कॉर्पस ल्यूटम बनता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता है, और वो क्या करते हैं? हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेसिया इन द यूट्राइन एंडोमेट्रियम, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है? जैसे जैसे कॉर्पस ल्यूटम जैसे डिसअपियर होता है, और उसके बाद में एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज होता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, एंडोमेट्रियम क्या होती है? टूटती है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलती है। लेकिन ये सारे फंक्शन क्या हो जाते हैं? सप्रेस हो जाते हैं, बिकॉज द सप्रेस द ओवेरियन फंक्शन। अगर ओवरी सप्रेस हो जाएगी तो उसके फंक्शन भी सप्रेस हो जाएंगे, और क्या नहीं हो पाएगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं होगी, और परमानेंट स्टॉपेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज द मेनोपॉज, ठीक है। तो ये कंडीशन होगी कौन सी? रेडिएशन। इसमें क्या करते हैं? एक्सपोज द ओवरी अगेंस्ट द गामा रेज, ठीक है। इसी के अलावा दूसरी कंडीशन यहां पे सर्जिकल। सर्जिकल के अंदर क्या करते हैं अपन? हिस्टेरेक्टमी। क्या करते हैं? हिस्टेरेक्टमी।
हिस्टेरेक्टमी के अंदर क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ यूट्रस। क्या मतलब हो गया इसका, रिमूवल ऑफ यूट्रस। अब देखिए हिस्टेरेक्टमी भी दो कंडीशन के अंदर होती है, एक होती है एब्डोमिनल, एक होती है परवेजाइनल। ठीक है, एब्डोमिनल या परवेजाइनल। नेक्स्ट देखिए हिस्टेरेक्टमी की बात करते हैं, सबसे पहले देखते हैं अपन वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी। दो टाइप हैं हिस्टेरेक्टमी के, वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी। अब देखिए वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी किस कंडीशन के अंदर करते हैं, फर्स्ट इज द यूटेराइन प्रोलैप्स, यूटेराइन प्रोलैप्स, एंड सेकंड इज द ओबीज फीमेल, ओबीज फीमेल या यूटेराइन प्रोलैप्स के अंदर क्या करते हैं, वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी करते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ द यूट्रस बाय द वेजाइना, वेजाइना के थ्रू अपन क्या करते हैं, यूट्रस को रिमूव करते हैं। ठीक है, ये होता है वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी। दूसरी कंडीशन हम पढ़ते हैं एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी। एब्डोमिनल, एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी, एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी के जो टाइप्स होते हैं वहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसके पांच टाइप होते हैं, फर्स्ट इज द सब टोटल, सब टोटल, सेकेंड इज द टोटल हिस्टेरेक्टमी, थर्ड इज द पैन हिस्टेरेक्टमी, फोर्थ इज द एक्सटेंडेड, एंड नेक्स्ट इज द रेडिकल, नेक्स्ट इज द रेडिकल हिस्टेरेक्टमी। ठीक है, तो हिस्टेरेक्टमी के पांच सब टाइप हैं, किसके, एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी के। अब एक एक को अपन क्या करेंगे, डिटेल से स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट इज द सब टोटल हिस्टेरेक्टमी, सब टोटल हिस्टेरेक्टमी। अब देखिए सब टोटल हिस्टेरेक्टमी के अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर कौन सा पार्ट रिमूव करते हैं, रिमूव है कॉर्पस पार्ट, यूट्रस का जो कॉर्पस पार्ट होता है, जिसके अंदर कौन कौन से काउंट करते हैं अपन, फंडस एंड बॉडी कैविटी। कॉर्पस पार्ट के अंदर कौन कौन सा काउंट करते हैं, फंडस प्लस बॉडी कैविटी, इसको अपन क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। फंडस और बॉडी कैविटी ये दो पार्ट होते हैं जिनको अपन रिमूव करते हैं, किसके अंदर, सब टोटल हिस्टेरेक्टमी के अंदर। एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी का फर्स्ट टाइप की बात करें, कौन सा, सब टोटल हिस्टेरेक्टमी, रिमूव द कॉर्पस पार्ट ऑफ द यूट्रस, यूट्रस के कॉर्पस पार्ट को क्या करते हैं अपन, रिमूव करते हैं। कॉर्पस पार्ट में अपन काउंट करते हैं फंडस एंड बॉडी कैविटी, ठीक है, इंक्लूड करते हैं। सेकेंड इज द टोटल हिस्टेरेक्टमी, टोटल हिस्टेरेक्टमी। अब टोटल हिस्टेरेक्टमी के अंदर क्या करते हैं, कंप्लीट यूट्रस को रिमूव कर देते हैं। क्या करते हैं, रिमूव द कंप्लीट यूट्रस, रिमूव द कंप्लीट यूट्रस, कंप्लीट यूट्रस को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, किसके अंदर, टोटल हिस्टेरेक्टमी के अंदर। थ्योरेटिकल पोर्शन में इसलिए आपको थोड़ा स्पीडली बता रहा हूं, ठीक है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको वहां पर डिनोट करूंगा। ठीक है, कंटिन्यू आप पूरी क्लास को देखें। थर्ड टाइप इज द पैन हिस्टेरेक्टमी, पैन हिस्टेरेक्टमी। पैन हिस्टेरेक्टमी के अंदर क्या करते हैं अपन, इसके अंदर देखिए कंप्लीट यूट्रस विथ बोथ साइड ऑफ ओवरी एंड फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, यूट्रस इसके अंदर क्या कर रिमूव करते हैं अपन, यूट्रस विथ ओवरी एंड फैलोपियन ट्यूब, क्या करते हैं अपन, रिमूव करते हैं इसको, और क्या बोल सकते हैं अपन, हिस्टेरेक्टमी विथ बाइलेटरल सेल्फिंगो ओफ्रेक्टोमी,
सेल्फिंगो ओफ्रेक्टोमी। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे अपन, हिस्टेक्टोमी विथ बायलेटरल सेल्फिंगो ओफ्रेक्टोमी। इसके अंदर क्या करें, यूट्रस के साथ साथ दोनों साइड की ओवरी और फैलोपियन ट्यूब को भी रिमूव कर रहे हैं। कंडीशन कौन सी हो गई, पैन हिस्टेक्टोमी, थर्ड टाइप ऑफ द एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी। नेक्स्ट देखिए फोर्थ टाइप, एक्सटेंडेड हिस्टेक्टोमी। कौन सा है, एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड हिस्टेक्टोमी के अंदर क्या करते हैं, कौन कौन सा पार्ट रिमूव करते हैं, यूट्रस प्लस ओवरी प्लस फैलोपियन ट्यूब, इसके साथ साथ प्लस अपर वन थर्ड ऑफ वेजाइना। कौन सा, अपर वन थर्ड पार्ट ऑफ वेजाइना, ये भी इसके साथ क्या करते हैं अपन, रिमूव करते हैं। किसके अंदर, एक्सटेंडेड हिस्टेक्टोमी के अंदर यूट्रस फैलोपियन ट्यूब ओवरी और उसके साथ साथ अपर वन थर्ड पार्ट ऑफ द वेजाइना क्या करते हैं अपन, रिमूव करते हैं। लास्ट टाइप इसका कौन सा है, रेडिकल हिस्टेक्टमी का, जो एब्डोमिनल एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी की बात करें उसके अंदर लास्ट टाइप कौन सा है, रेडिकल। रेडिकल हिस्टेक्टमी के अंदर क्या करते हैं अपन, एक्सटेंडेड प्लस, एक्सटेंडेड हिस्टेक्टमी के अंदर जो रिमूव किया वो प्लस सराउंडिंग लिम्फ नोड। क्या रिमूव करते हैं अपन, सराउंडिंग लिम्फ नोड, ये भी इसके साथ क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, पांच टाइप बताए मैंने एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी के, कौन कौन से, सब टोटल, टोटल, पैन हिस्टेक्टोमी, एक्सटेंडेड एंड रेडिकल हिस्टेक्टोमी। इन सभी के अंदर मैंने आपको बता दिया कौन कौन से पार्ट अपने रिमूव करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इसके अंदर पोजिशन की, कि कौन सी पोजिशन अपन प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग द हिस्टेक्टोमी। हिस्टेक्टोमी के लिए जो पोजिशन होती है, पोजिशंस की बात करें, कौन सी होती है, ट्रेंडलनबर्ग पोजिशन। कौन सी, ट्रेंडलनबर्ग पोजिशन प्रोवाइड करते हैं। अब देखिए ट्रेंडलनबर्ग पोजिशन क्यों देते हैं, बिकॉज हिस्टेक्टमी के दौरान क्या होता है, अप्रोक्सीमेट 1.5 लीटर ब्लड लॉस होता है, 1.5 लीटर ब्लड लॉस होता है, तो क्या हो सकता है, हाइपोवोलेमिक कंडीशन हो सकती है। इसीलिए टू इंक्रीज द वीनस रिटर्न, टू इंक्रीज वीनस रिटर्न, वीनस रिटर्न को इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं अपन, ट्रेंडलनबर्ग पोजिशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ट्रेंडलनबर्ग पोजिशन क्यों देते हैं, टू इंक्रीज द वीनस रिटर्न, क्या करते हैं अपन, ट्रेंडलनबर्ग पोजिशन देते हैं इन द कंडीशन ऑफ हिस्टेक्टमी। ये चीज ध्यान रखना, इंक्रीज द वीनस रिटर्न, यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार कि ट्रेंडलनबर्ग पोजिशन क्यों देते हैं हिस्टेक्टमी के अंदर, और हिस्टेक्टमी में ध्यान रखना आप 1.5 लीटर ब्लड लॉस होता है। ठीक है, 1.5 लीटर ब्लड लॉस इन कंडीशन ऑफ हिस्टेक्टमी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में। इससे पहले आपको बताता हूं, जो थिनर वुमेन होती है, ठीक है, या माल न्यूट्रिशन वुमेन जो होती है उनके अंदर मेनोपॉज की कंडीशन जल्दी आ जाती है। ठीक है, माल न्यूट्रिशन या थिनर वुमेन, प्रॉन टू अर्ली मेनोपॉज, प्रॉन टू अर्ली मेनोपॉज। ठीक है, अर्ली मेनोपॉज की कंडीशन देखने को मिलती है थिनर वुमेन के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी जो प्रोसेस जो होती है, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ मेनोपॉज, कि मेनोपॉज की कंडीशन कैसे देखने को मिलती है अपने को। मैकेनिज्म ऑफ मेनोपॉज, इसके अंदर देखिए, बिफोर द एज ऑफ मेनोपॉज, जैसे एज है अपनी कितनी, 45 टू 55 ईयर ऑफ एज पे क्या होता है, मेनोपॉज स्टार्ट होता है। तो उससे पहले क्या होता है, बिफोर द एज ऑफ मेनोपॉज एफएसएच एंड जो एलएच होते हैं, एफएसएच एंड
LH होते हैं उनके अगेंस्ट क्या हो जाता है, फॉलिकल्स होते हैं ओवरी के अंदर, वो क्या होते हैं रेजिस्टेंस शो करने लग जाते हैं। FSH और LH क्या हो जाते हैं रेजिस्ट हो जाते हैं किससे, फॉलिकल्स के रेजिस्ट अगेंस्ट ओवेरियन फॉलिकल्स। अब देखिए रजिस्ट क्यों होते हैं, क्योंकि जो ओवेरियन फॉलिकल्स की जो काउंट की बात करते हैं अपन, मैंने आपको बताया था कि 20 वीक फीमेल फीटस के अंदर 7 बिलियन ओवेरियन फॉलिकल होते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द बर्थ ये जो फॉलिकल होते हैं वो डिक्रीज होकर कितने हो जाते हैं 2 मिलियन फॉलिकल रह जाते हैं, और प्यूबर्टी की एज तक आते आते 4 लाख फॉलिकल्स रिमेन रहते हैं इन द ओवरी। और अपन बात करें मेनोपॉज की एज के अंदर तो लेस देन 10,000 फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं ओवरी के अंदर, ठीक है। अब ये फॉलिकल क्या होते हैं रेजिस्टेंस शो करने लग जाते हैं किसके अगेंस्ट, FSH और LH के अगेंस्ट क्या होते हैं फॉलिकल्स रेजिस्टेंस शो करने लग जाते हैं। अब देखिए FSH और LH के अगेंस्ट अगर फॉलिकल्स रेजिस्टेंस शो करेंगे तो क्या नहीं हो पाएगा, फॉलिकल्स डज नॉट ग्रो, फॉलिकल्स क्या नहीं पाएंगे ग्रो नहीं करेंगे, डज नॉट ग्रो। अगर फॉलिकल्स ग्रोथ नहीं करेंगे तो क्या नहीं बनेगा, ग्राफियन फॉलिकल नहीं बनेगा, नो ग्राफियन फॉलिकल, नो ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल नहीं बनेगा तो क्या नहीं होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा, ओव्यूलेशन एब्सेंट, और ओव्यूलेशन नहीं होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम भी नहीं बनेगा, नो कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम आपको पता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या करता है सिक्रेशन करता है, सो डिक्रीज द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, यह चीज ध्यान रखना। FSH और LH का लेवल तो क्या होता है इंक्रीज होता है ब्लड के अंदर, नॉर्मल जो वैल्यू होती है FSH की वो होती है 3 to 10 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml, लेकिन मेनोपॉज़ी कंडीशन के अंदर अपन देखिए तो मोर देन 40 मिली इंटरनेशनल यूनिट क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है, FSH का जो लेवल होता है कितना होता है मोर देन 40 मिली इंटरनेशनल यूनिट, अभी आपको नेक्स्ट बताऊंगा मैं आगे। लेकिन ध्यान रखना एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या हो जाते हैं डिक्रीज हो जाते हैं। अब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज होंगे तो यूट्रस के अंदर क्या होगा, नो प्रिपेयर्ड द एंडोमेट्रियम, नो प्रिपेयर्ड द एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम क्या नहीं हो पाएगी प्रिपेयर नहीं हो पाएगी, और एंडोमेट्रियम प्रिपेयर नहीं होगी तो क्या हो जाएगा सैड ऑफ भी नहीं होगी एंडोमेट्रियम, तो डॉन सैड ऑफ, सैड ऑफ नहीं होगी, ठीक है। और सैड ऑफ नहीं होगी तो क्या हो जाएगा एमनोरिया, और कंटिन्यू अगर 12 मंथ तक एमनोरिया की कंडीशन देखने को मिलेगी तो उसको बोलेंगे अपन क्या मेनोपॉज, ठीक है समझ में आ गया सभी को। इसके अंदर क्या हुआ हमने देखा कि FSH और LH का लेवल तो बढ़ रहा है लेकिन क्या हो रहा है जो फॉलिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं रेजिस्टेंस शो करने लग जाते हैं। जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है लगभग 45 ईयर एज तक आते आते क्या होता है फॉलिकल्स की जो संख्या है वो क्या हो जाती है डिक्रीज हो जाती है, फॉलिकल के काउंट लेस देन 10,000 रह जाते हैं, तो वो क्या करते हैं FSH के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करने लग जाते हैं। अब FSH उनके ऊपर प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा तो फॉलिकल्स की ग्रोथ नहीं होगी, और ग्रोथ नहीं होगी तो क्या नहीं बनेगा ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल नहीं बनेगा तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन नहीं होगा, और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन क्या करते हैं हाइपरप्लेसिया एंड हाइपरट्रोफी इन द यूट्रस, और क्या करते हैं एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करते हैं नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए या फिर इम्प्लांटेशन के लिए। अब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज रहेगा तो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को नहीं मिलेगी, और कंडीशन क्या हो जाएगी यहां पर एमनोरिया की कंडीशन देखने को मिलेगी, और 12 मंथ अगर कंटिन्यू एमनोरिया की कंडीशन देखने को मिल रही है वो कंडीशन क्या कहलाएगी मेनोपॉज की कंडीशन कहलाएगी। तो इस प्रकार फिजियोलॉजी मैंने आपको बता दी कि मेनोपॉज की कंडीशन कैसे देखने को मिलती है। अब इसके साथ हम बात करते हैं एक बार हॉर्मोन्स का लेवल कैसे चेंज होता है मेनोपॉज के अंदर, देखिए कौन कौन से हॉर्मोन्स का लेवल चेंज होता है तो आपको बताता हूं मैं। सबसे पहले बात करते हैं FSH की, फॉलिकुलर स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन,
सॉरी, एफएसएस का जो नॉर्मल लेवल होता है कितना होता है, एफएसएस का नॉर्मल लेवल 3 to 10 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल। ये तो कब होता है, इन रिप्रोडक्टिव एज की बात करें, ठीक है, कब होता है, रिप्रोडक्टिव एज के अंदर, रिप्रोडक्टिव एज की बात करें, ठीक है। अगर बात करें अपन मीनोपोज के अंदर, तो मीनोपोज के अंदर मैंने आपको बताया कि एफएसएस का लेवल तो बढ़ेगा, क्योंकि ये क्यों बढ़ रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, इसको फोलिकल्स की क्या नहीं ग्रोथ नहीं हो पा रही, और कंटिन्यू क्या हो रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है। एफएसएस का लेवल कंटिन्यू क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, और कितना बढ़ जाएगा, मोर देन 40 मिली इंटरनेशनल यूनिट, 40 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल तक इंक्रीज हो जाता है एफएसएस का लेवल, ठीक है। इसी प्रकार एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की बात करें, एस्ट्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन की बात करते हैं, ठीक है, इसका लेवल कितना होता है, एस्ट्रोजन का लेवल, एस्ट्रोजन के लेवल की अगर अपन बात करें तो कितना होता है नॉर्मल वे में, अगर नॉर्मल कंडीशन में बात करें तो एस्ट्रोजन कितना होता है 50 से 300 पिकोग्राम पर एमएल नॉर्मल वे में, ठीक है। लेकिन कंडीशन किसकी बात करें अपन, मीनोपोज में, मीनोपोज के अंदर एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज होता है कितना, 10 to 20 पिकोग्राम पर एमएल रह जाता है, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, कॉर्पस ल्यूटम का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, और कॉर्पस ल्यूटम आपको पता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट कर रहा था, तो मीनोपोज के अंदर एस्ट्रोजन का लेवल 10 टू 20 पिकोग्राम पर एमएल रह जाता है, नॉर्मल में होता है 50 से 300 पिकोग्राम पर एमएल। ध्यान रखना, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपन किसकी, प्रोजेस्टेरोन की। अब देखिए प्रोजेस्टेरोन की बात करते हैं अपन, प्रोजेस्टेरोन का जो नॉर्मल लेवल होता है इन, देखिए इसका लेवल डिफरेंट डिफरेंट होता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करना, ठीक है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करना। प्रोजेस्टेरोन काम किसकी तरह करता है, एक टोकोलाइटिक एजेंट की तरह काम करता है, और टोकोलाइटिक एजेंट क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, प्रिवेंट द यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन, टोकोलाइटिक एजेंट क्या करते हैं, यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन को प्रिवेंट करते हैं, और प्रेगनेंसी को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो नॉन प्रेगनेंट और प्रेगनेंसी के अंदर इसका लेवल डिफरेंट होता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं नॉन प्रेग्नेंट के अंदर, नॉन प्रेग्नेंट के अंदर प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल होता है कितना होता है, 1 to 6 नैनोग्राम पर एमएल, ठीक है। प्रेगनेंसी के अंदर बात करें, प्रेगनेंसी के अंदर इसका लेवल होता है मोर देन 25 नैनोग्राम पर एमएल, ये होता है इसका नॉर्मल लेवल इन नॉन प्रेग्नेंट एंड प्रेग्नेंट कंडीशन में। अब अपन बात करते हैं किसके अंदर, मीनोपोज की कंडीशन में, मीनोपोज के अंदर प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज होकर कितना रह जाता है, 1 to 2 नैनोग्राम पर एमएल, ठीक है। मीनोपोज के अंदर प्रोजेस्टेरोन का लेवल कितना होता है, 1 to 2 नैनोग्राम पर एमएल। तो आप हॉर्मोन्स का लेवल एक बार ध्यान से देख ले, कई बार क्वेश्चन के अंदर पूछ लेता है। सबसे पहले बात की हमने एफएसएस की, एफएसएस का जो लेवल होता है नॉर्मल कितना होता है, 3 to 10 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल। लेकिन इन कंडीशन ऑफ द मीनोपोज कितना होता है, मोर देन 40 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल, क्योंकि इसका लेवल क्यों बढ़ता जाता है, क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहां पर एफएसएस कंटिन्यू सीक्रेट हो रहा है, लेकिन फोलिकल्स क्या नहीं कर पा रही, ग्रोथ नहीं कर पा रही, तो उसके अगेंस्ट क्या होता है, एफएसएस इंक्रीज होता रहता है उनको ग्रोथ करवाने के लिए, ठीक है, इसलिए इसका लेवल बढ़ रहा है। बाकी बात करें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज होता है, क्यों होता है, क्योंकि अगर फोलिकल ग्रोथ नहीं कर पा रही तो ग्राफियन फोलिकल नहीं बनेगा, ग्राफियन फोलिकल नहीं बनेगा तो कॉर्पस ल्यूटम नहीं बनेगा, और कॉर्पस ल्यूटम नहीं बनेगा तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन कहां से होगा, ठीक है। तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज होता है, कितना होता है, नॉर्मल होता है एस्ट्रोजन का 50 से 300 पिकोग्राम पर एमएल, और डिक्रीज होकर कितना रह जाता है, 10 से 20 पिकोग्राम पर एमएल, ठीक है। इसी प्रकार बात करें प्रोजेस्टेरोन की, प्रोजेस्टेरोन का कितना रहता है नॉन प्रेग्नेंट के अंदर, 1 to 6 नैनोग्राम पर एमएल, ठीक है, 1 to 6 नैनोग्राम पर एमएल, और प्रेगनेंसी के अंदर होता है मोर देन 25 नैनोग्राम पर एमएल, ठीक है। और मीनोपोज की बात करें तो 1 to 2 नैनोग्राम पर एमएल इसका लेवल रहता है। तो ये बात होगी किसकी, मीनोपोज की, हमने कंप्लीट
देख ली कि कैसे क्या मेनोपॉज की कंडीशन देखने को मिलती है हमें, और हार्मोनल जो चेंजेज होता है और हार्मोन का वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है। यहां से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन बात करेंगे इसके ऑर्गन चेंजेस की। मेनोपॉज के बाद में कौन कौन से ऑर्गन पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, अपनी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है ऑर्गन चेंजेस इन मेनोपॉज, और इसके साथ साथ के सिम्टम्स की बात करेंगे और मैनेजमेंट की बात भी करेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू आप हमारे साथ बने रहिए और नेक्स्ट क्लास में अपन मिलते हैं इसी टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड, विश यू ऑल द बेस्ट।